कि तरुण राठी जी एक तो खुद कवि हो गए, उन्होंने खुद कविता सुनाई, तनीषा जी से कविता सुनवाई, अब आदरणीय से कविता सुनवाई, क्या अगली बार के लिए ये आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहे हैं क्या? वो तो भाभी जी ने ना सुनाई भाई साहब स्वर्णिमा और जयवर को भी एक एक कविता जेब में लिए घूम ले आपके डर। स्वर्णिमा मेरी वाइफ और जयवर्मा, ये दोनों कविताएं लिए जेब में घूम रहे हैं, इनकी हिम्मत नहीं हो रही आने की आपके सामने। आज एक बात सुन लो, आज एक बात सुन लो, हरियाणा में बहस हो रही थी कि भाई अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने तो कौन बनेगा। हाँ। तो किसी ने कहा भाई हो सके राहुल गांधी बन जाए, फिर किसी ने कहा हो सके ममता जी बन जाए, किसी ने कहा हो सकता है मायावती जी बन जाए, किसी ने कहा अखिलेश जी बन जाए, किसी ने कहा शरद पवार जी बन जाए, किसी ने कहा चंद्रबाबू नायडू बन जाए। तो हरियाणा का चौधरी बोला भाई जब ऐसे ही सत्यानाश होना है तो फिर सपना चौधरी के बुरी है। तो तरुण राठी जी अगर आपके कुछ लोग, आपकी पत्नी, आपके मित्र, आपके कुछ लोग और कविता लिए बैठे हैं तो आज उनकी भी हो ही जाए। मैं चाहूंगा अगर मिसेज राठी लिखती हैं तो अगर तरुण राठी जी के जन्मदिन पर उनकी पत्नी कविता नहीं पढ़ेगी तो किसी भी कवि के कविता पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। मैं चाहता हूँ आए, आप आइए, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ के हैप्पी बर्थडे टू कह दो। अच्छा और कौन कौन लिए बैठे हैं? वो पब्लिक में ही कई लोग बैठे हैं। चलिए जो एक तो ये लाइट बंद कीजिए, एक ये कुर्सी बेटा ये रोक दो, तो मुझे ये कुर्सी उठानी शुरू कर दी है। नहीं कोई कोई नहीं, कोई नहीं, कुर्सी उन्हें उठानी है जिनका काम ऐसे भाई से वो पीछे। बस मैं एक आज्ञा चाहता हूँ, एक आज्ञा, मेरे से गलती ये हो गई कि मैंने सारे वो कवि बुला लिए जो मुझसे ज्यादा जमते हैं, वरना मैं इनको नहीं बुलाता, ऐसे ऐसे कवि बुलाता जल्दी जल्दी निबट जाते, उनको आप सुनते नहीं, फिर मैं ही सुनाता आपको। तो अब जाट तो ऐसी गलती कर ही देते मैंने भी कर दी, सारे अच्छे अच्छे बुला लिए, इतने अच्छे बुला लिए, सारे इतने जमे, इतने जमे, सुदीप भोला, हमारी कविता बिटिया, हाशिम फिरोजाबादी, शंभू शिखर, सुनील जोगी, दिनेश रघुवंशी, सारे इतने जमे, ताली बजा बजा के आप थक गए, हंस हंस के आप थक गए, सुन सुन के आप थक गए। जानते हो मेरी हालत क्या होती है सबसे बाद में? आपने ठेले पर कोल्हू में गन्ने का रस निकलते देखा है? गन्ने को एक बार कोल्हू में डालते हैं, फिर उसी गन्ने को मोड़ के दोबारा कोल्हू में डालते हैं, और जब वो गन्ना बिल्कुल खुकस खोई हो जाता है तब मुझसे कहते हैं अब इसमें तू रस निकाल के दिखा। मैं नींबू फंसा के कोशिश करता हूँ जी। देखिए मैंने पहले भी आज्ञा मांगी थी गढ़ कार्यक्रम किया था, मेरी कमर में थोड़ी प्रॉब्लम है, पिछले दिनों बीमार हुआ था, अभी डॉक्टरों ने कहा है कि कुछ दिन और खड़े होकर मत पढ़ो, मुझे बैठ के पढ़ने की अनुमति आप ताली बजा के दे दीजिए, फिर मैं चार लाइन पढ़ता हूँ। कब तक देखेंगे हम रोज तिरंगे में लिपटी हुई लाशें, कब तक कोई माँ खोती रहेगी अपना बेटा, जब रोज तिरंगे में लिपट कर लाशें आएंगी तो कवि एक एक बात गाएगा। मेरा विचार है ये, जी न्यूज ने इस कविता की लाइनों को सुनाकर डिबेट की इस पे, बोले ना हम समर्थन नहीं करते इस लाइन का, मगर मत करो, मैं जनता से, अमरोहा की जनता से मन मांगता हूं कि क्या मैंने ये कह के कोई गलत कर दिया? अगर कोई आदमी बहुत बीमार होता है, बहुत बीमार, बहुत दर्द में तड़फ रहा होता है तो क्या वो उसके मुंह से ये नहीं निकलता, हे भगवान या तो मुझे उठा ले या ठीक कर दे, निकलता है ना? मैंने उसी एहसास को गाया है, अगर वो एहसास ठीक है तो मैं भी ठीक हूं, आपका मन मांगता हूं कि मैंने गलती तो नहीं की जी भाई। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में, फूल अमन के कभी नहीं खिलते कायर पर पार्टी में, नेहरू जी के श्वेत कबूतर मरे पड़े हैं घाटी में, अपने मन को बुद्ध करो या कुद्ध करो, कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। क्या बात, कश्मीर को दान करो
या गद्दारों से युद्ध करो। जेल भरे क्यों बैठे हैं हम आदमखोर दरिंदों से, आजादी का दिल घायल है जिनके गोरख धंधों से, घाटी में आतंकवाद के कारक बने हुए हैं जो, बच्चों की मुस्कानों के संहारक बने हुए हैं जो, उन जहरीले नागों को भी दूध पिलाती है दिल्ली, मेहमानों जैसी बिरयानी चिकन खिलाती है दिल्ली, जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती है। दिल्ली भी भाजपा की सरकार है, लखनऊ भी भाजपा की सरकार है, आपका भी भाजपा का सांसद है। मैं देश की जनता की ओर से एक सवाल पूछता हूं, और क्या हमको हक नहीं है कि हम ये पूछें? आपको लगता है हमारा हक है कि अपनी सरकार से, जिसको हम प्यार करते हैं, जो हमने जिसको वोट देके बनाया, उससे हम ये सवाल पूछें, और आपको लगे कि ये सवाल पूछने का हक कवि को भी है और आपको भी है, तो फिर बहुत आशीष भरी, आकाश भरी ताली सुनना चाहता हूं। जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती है, पूनम वाली रात चांदनी चंद्र ग्रहण सी लगती है, जिनके कारण माँ की बिंदी दाग दिखाई देती है, वैष्णो देवी माँ के घर में आग दिखाई देती है, उनके पैरों पैड़ी जकड़े जाने में देरी क्यों है, उनके फन पर एड़ी रगड़े जाने में देरी क्यों है, उनके फन पर एड़ी रगड़े जाने में देरी क्यों है। कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, मैंने कानून पढ़ाया है 39 साल, 32 साल मैंने संविधान पढ़ाया है, 32 साल। कोई नेता कोई प्रवक्ता सीना तान कर चैनल्स पर एक बात क्यों नहीं कहता? वो कहते हैं नहीं मानते भारत का संविधान, थूकते हैं संविधान पर, जलाते हैं संविधान को, तिरंगे को जलाते हैं, तिरंगे को फाड़ते हैं, संविधान को मानते ही नहीं है। तो कहने की हिम्मत करो कि तुम संविधान को नहीं मानते, तो संविधान में ही है 370, फिर 370 भी खत्म। बहुत अच्छे। जब संविधान का कोई तुम्हारे लिए अर्थ नहीं है, बढ़िया बात, तो 370 तो संविधान में ही है। या तो संविधान को मानो तो 370 की बात उठाओ, और जब तुम संविधान को ही नहीं मानते, कोई नहीं कहता कि फिर 370 किस बात की। माफ करें मुझे, प्रसंग से अलग बोल रहा हूं, मैं 28 साल से कश्मीर पढ़ रहा हूं, 22 जिले कश्मीर में, केवल 3.5 जिलों में समस्या है, 18.5 जिलों के एक भी व्यक्ति ने आज तक अलगाववादी नारा नहीं लगाया, अलग देश नहीं मांगा, संविधान नहीं फूका, तिरंगे झंडे को आग नहीं लगाई, 18.5 जिलों में, केवल 3.5 जिलों में अनरेस्ट है, और उन 3.5 जिलों में भी केवल 15%। मैं उन 15% की आइडेंटिफिकेशन भी बता सकता हूं, लेकिन मंच से बताना उचित नहीं है, कौन है वो लोग। अब ये समस्या केवल एक मजहब की अलग राष्ट्र मांगने की है, बाकी और कोई समस्या है ही नहीं। एक मुट्ठी भर लोग, और एक जनरल मेरे साथ थे डिबेट में टेलीविजन पर, उसने कहा पवार साहब अपने अपने ज्ञान ठीक कर लो, अब समस्या 3.5 जिलों में नहीं है, केवल 2 जिलों में, 1.5 जिला शांत कर दिया है हमने, 1.5 जिले में अब कोई आतंकवादी नारा नहीं लगता, केवल 2 जिलों के 15% लोगों की समस्या आप हल नहीं कर पाए, तो केवल एक ही वजह है कि आप हल करना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते। कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, संविधान को ठुकराता परवेश दिखाई देता है, वे घाटी मेरा दर्द सुनना और मेरे दर्द में शामिल हो सको, तो ऐसे ही शामिल होना जैसे मैंने शामिल होकर लिखी होगी। कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, संविधान को ठुकराता परवेश दिखाई देता है, वे घाटी में भारत के झंडों को रोज जलाते हैं, सेना पर हमला करते हैं, खूनी फाग मनाते हैं, हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा जाते हैं, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना समझा दो, और मेरी बात समझ जाओ तो मुझे बता देना साहब कि आप समझ गए, सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना बतला दो, ये गांधी के गाल नहीं है उनको इतना समझा दो, ये गांधी के गाल नहीं है उनको इतना समझा दो, दिल्ली वालों सेना को भी कुछ निर्णय ले लेने दो, एक बार पत्थर का उत्तर गोली से दे लेने दो, एक बार पत्थर का उत्तर गोली से दे लेने दो। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हैं, एक छंद बहुत जोश में पढ़ूंगा, दिनेश रघुवंशी को भी समर्पित करूंगा, सुनील जोगी हमारा संभव हमारी बिटिया, मैं 3 दिन पहले बंगलोर में था, मेरे मुंह से निकल गया, मैं जोश में पढ़ूंगा और मैं चाहता हूं आप जोश में सुने।
फिर मेरे मुंह से ये निकल गया कि मैं चाहता हूं आप मुझसे ज्यादा जोश में सुने। फिर मेरे मुंह से ये भी निकल गया मैं यहां से हार के जाना चाहता हूं, तो यहां ये होना है कि मैंने जोश में ज्यादा पढ़ा या आपने जोश में ज्यादा सुना, और मैं चाहता हूं कि आप जीते और मैं हार जाऊं। मैं वहां से हार के आया हूं, मैं अमरोहा से भी हार के जाना चाहता हूं। मेरा एक छंद सुनना, मैं चाहता हूं आप जीते जोश में सुनने में और मैं हार जाऊं पढ़ने में, यही मेरी जीत होगी, यही राठी जी का मुझे दिया हुआ पुरस्कार होगा। मन से सुनना, जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हो, भारत माँ की मर्यादा के मंजर खंडित होते हो, जब कृष्ण भारत के नारे हो, गुलमर्गा की गलियों में शिमला समझौता जलता हो, बंदूकों की नलियों में केवल आवश्यकता है हिम्मत की, खुददारी की, दिल्ली केवल दिन की मोहलत दे दे तैयारी की, सेना को आदेश थमा दो, घाटी गैर नहीं होगी, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खत्म नहीं होगी, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा। कमाल है, जहां तिरंगा, सल्यूट करता हूं, आप जीते और मैं हारा साहब, यही मेरा पुरस्कार है आज की रात का अमरोहा की जनता से। भाई सब कमाल, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। बर्मा बांग्लादेश तलक सीमा पर बैठे रहते थे और हमारे नेता चूड़ी पहने बैठे रहते थे, दिल्ली डरी डरी रहती थी पाक चीन की बॉर्डर पर, सेना बांधे हाथ खड़ी रहती थी किसके ऑर्डर पर, दुनिया को एहसास कराओ हम निर्णय ले सकते हैं, मोदी जी का जन्मदिन सुनना, दुनिया को एहसास कराओ हम निर्णय ले सकते हैं, हम भी ईंटों का उत्तर पत्थर से दे सकते हैं, अब तो वक्त बदलना सीखो डरते डरते जीने का, दुनिया को एहसास कराओ 56 इंची सीने का, दुनिया को एहसास कराओ, दुनिया को एहसास कराओ 56 इंची सीने का। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाता है, अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाता है, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाता है, जिनको माँ के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, जो हुआ वो तरुण फाउंडेशन का है, अमरोहा की जनता का है, तरुण राठी जी का है, इस परिवार का है, रोमी चौधरी का है, और मैं फिर दोहराता हूं, मैं क्योंकि मुझ पर जिम्मेदारी सौंपी थी तरुण राठी जी ने, मुझ पर विश्वास किया, उन्होंने कहा जो लाओ, जिनको लाओ, जो करो, जैसे करो, इतना विश्वास अगर मैंने बनाए रखा हो, आपको लगे कि हमने एक श्रेष्ठ कवि सम्मेलन अमरोहा को दिया, तो एक आखिरी बार मुझे आशीष दे के भेजिए इस बात के लिए कि आपने इस कवि सम्मेलन को पसंद किया है। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनने, जब सिंहासन का राजा ही कायर दिखने लगता है तो पूरा मौसम हत्यारा डायर दिखने लगता है, सिंहासन के माने होते हैं सिंहों का आसन हो, कायरता से दूर अटल संकल्पों का अनुशासन हो, राजमहल के आचरणों की गंध हवा में जाती है, राजा कायर हो तो बिल्ली सिंह को धमकाती है। अंतिम पंक्तियां सुनना, प्रणाम करता हूं, सारे सदन को प्रणाम करता हूं, राजा दब्बू हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है, भारत एक अखंड राष्ट्र है, सब अरब की ताकत है, कोई हम पर हाथ उठा ले किसकी भला हिमाकत है, धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो, अब खंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। वाह, आपको आभार आप सबका। हम आज यहाँ तरुण फाउंडेशन के संयोजन में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाने के उपलक्ष्य में एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन आपको सुनवाने जा रहे हैं। जो लोग अभी भी घूम फिर रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है स्थान ग्रहण कर लें, कहीं भी जहाँ उनको स्थान मिले, बहुत सुंदर व्यवस्थाएं हैं। अमरोहा शहर में किसी भी कवि सम्मेलन को साहित्यिक कलेवर देने के लिए व्यवस्थाओं में जो अच्छे से अच्छा किया जा सकता था वो सब किया गया है। मैं चाहता हूं ये सदन एक बार तरुण फाउंडेशन और तरुण राठी जी को बधाई देने के लिए जोरदार तालियों से। अब आप विश्वास कीजिए, आपको ना भाषण सुनना मिलेगा, आपको केवल कविताएं सुनने को मिलेंगी। मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं, कविता भाजपा नहीं होती, कविता कांग्रेस भी नहीं होती, कविता सपा भी नहीं होती, कविता बसपा भी नहीं होती, कविता संस्कृति होती है, कविता संस्कार होती है, कविता परंपरा होती है, कविता मूल्य होती है, कविता संवेदना होती है। और कोई भी हिंदी के साहित्यकारों का कवि सम्मेलन
किसी राजनीतिक दल का अधिवेशन नहीं होता लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में है, तो मैं चाहता हूं एक बार आकाश भर तालियां मोदी मोदी। मैं बहुत नाराज हूं इससे, इसको और कड़ी सजा दो। मंत्री ने कहा कि इसको हम 10 साल जेल में डाल दें। राजा बोला नहीं, बहुत गुस्सा हूं, और कड़ी सजा दो। राजा ने कहा, मंत्री ने कहा इसको उम्र भर के लिए जेल में डाल दें। राजा बोले नहीं, मैं बहुत गुस्सा हूं, इससे भी कड़ी सजा दो। तो मंत्री ने गुस्सा करते हुए कहा इसको फांसी पे लटका दें। राजा बोला नहीं, इससे भी कड़ी सजा दो। मैं बहुत नाराज हूं, इससे भी कड़ी सजा दो। मंत्री बोला साहब इससे बड़ी कोई सजा होती नहीं है, किसी को फांसी देने से बड़ी कोई सजा होती ही नहीं है। राजा ने कहा होती है, एक सजा फांसी से भी बड़ी होती है अमरोहा के दोस्तों। राजा ने कहा मैं जिससे नाराज हुआ हूं ये एक कवि है, और इस कवि से कहो ये तो कविता सुनाएगा, और जब ये कविता सुनाएगा हम इसकी कविता नहीं सुनेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, ये सजा है फांसी से भी बड़ी। क्या बात है, हे हमारे राजाओं, हमको वो सजा मत देना जो फांसी से भी बड़ी होती है। बस मैं कहूंगा कि डूब कर कुछ सुनो और सुनकर गुनो, मन मिलाओगे तो मन से जुड़ जाएंगे, वरना हम हैं परिंदे बहुत दूर के, बोलियां बोलकर अपने उड़ जाएंगे। आदरणीय पाठक साहब हमारे बीच हैं, मुख्य अतिथि नागर साहब हमारे बीच हैं, बालियान साहब, मलिक साहब, तरुण राठी जी, आदरणीय मुखर्जी जी, जो लोग समय से आ रहे हैं, मैं उनके सामने सर झुकाकर प्रणाम करता हूं, क्योंकि उन्होंने भारतीय परंपरा को बनाए रखने में सहयोग दिया है। कमाल भाई साहब, कमाल। ये भारत की परंपरा है कि समय पर मत जाओ, और ये सोची समझी रणनीति है भारत की। अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड टावर पर जब हमला हुआ, भारत के लोग मरे ही नहीं, क्योंकि टाइम पर वहां कोई था ही नहीं। मैं उस दिन समझा कि हम देर से जाते क्यों है किसी भी कार्यक्रम में। जो अभी अभी आ रहे हैं मैं उनको बता दूं, मैं अंतिम कवि हूं। अभी कुछ लोग यहां भी बैठे हैं, मैं प्रेस के भाइयों का स्वागत करता हूं। जो भी प्रेस के मीडिया के हमारे मित्र हैं, हम वो आए हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। वो कहीं भी स्थान ग्रहण कर लें, सामने खड़े होंगे तो थोड़ा सा पीछे के बैठे लोगों को असुविधा होगी। जनता का फोटो भी हो चुके हैं, इसलिए जनता को कम से कम असुविधा हो, मैं निवेदन करना चाहता हूं। हमने कोशिश की है, देश का वो हर कवि इस समय जो जिनके दिल में देश धड़कता है, वो हास्य में लिखे तो, गीत में लिखे तो, ओज में लिखे तो, जिनके दिल में केवल देश धड़कता है, जिनके सामाजिक सरोकार देश हैं, उन सब कवियों को तरुण राठी जी के निर्देश पर तरुण फाउंडेशन के इस महती आयोजन में बुलाया जाए। इसलिए जो अच्छा लगे वो तरुण फाउंडेशन का है, तरुण राठी जी का है, कवियों का निश्चय मैंने किया है। कहीं भी कोई भी कवि लगे उसका जिम्मेदार मुझे माना जाए, और मैं उसकी सजा भुगतने को तैयार। विजय पाठक जी को कोई ट्रेन पकड़नी है, मेरा उनसे निवेदन है कि उस ट्रेन को वो कल की पकड़े। ये हो सकता है वो जो आएगी आज वो कल वाली ही आया। हम चाहते हैं पूरा, हमारे मुख्य अतिथि हैं, पूरा कवि सम्मेलन सुन के जाएं। जब राजनीति के लोग किसी साहित्य के मंच पर आ जाते हैं तो हमारा गरिमा बढ़ती है, हमारा गौरव बढ़ता है, और हम उनसे कुछ कह सकते हैं, कुछ गिले कर सकते हैं, कुछ शिकवे कर सकते हैं। और पाठक जी, विधान परिषद में आपको कभी इतना कष्ट नहीं हुआ होगा जितना हम कष्ट आपको चाहें तो पहुंचा भी सकते हैं, लेकिन हम नहीं पहुंचाएंगे। आज हमारे अतिथि हैं आप। पुलिस अधिकारियों से, जो पुलिस के लोग हैं, मेरा उनसे निवेदन है आप भी कहीं बैठ जाएं, सारी व्यवस्था हमारे ऊपर छोड़ दें, कोई व्यवस्था आप मत बनाइए। जिस दिन कवि सम्मेलन की व्यवस्था पुलिस बनाने लगेगी उस दिन कवि सम्मेलन समाप्त हो जाएंगे। कवि सम्मेलन संस्कृति की आवाज है, कवि सम्मेलन हमारी सभ्यता के शंखनाद है, हमारे मुशायरे हमारी कविताएं। हम कोशिश करते हैं अपने देश को, मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया,
हम भी कविता के माध्यम से देश के साहित्यिक प्रदूषण को मिटाने की कोशिश में कविताओं का पाठ करते हैं।